गोंडा पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कोविड अस्पताल का यहां उद्घाटन करेंगे। देवी पाटन मंडल के अफसरों के साथ वो बैठक करेंगे। विकास और बाढ़ राहत कार्यों की करेंगे समीक्षा। और उद्घाटन स्थल पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देवी पाटन मंडल के अफसरों के साथ बैठक का कार्यक्रम, समीक्षा बैठक होगी। विकास और बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोंडा पहुंचे हैं, उस स्थल पर पहुंचे हैं जहां पर उन्होंने उद्घाटन करना, कोविड अस्पताल का उद्घाटन स्थल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देवी पाटन मंडल के अफसरों के साथ करेंगे बैठक। विकास और बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोंडा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। कोविड अस्पताल का बस कुछ ही देर में उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन स्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, देवी पाटन मंडल के अफसरों के साथ करेंगे बैठक। इसके साथ ही विकास और बाढ़ राहत कार्यों की भी समीक्षा करने वाले हैं। किस गति से विकास के काम हो रहे हैं और बाढ़ के इस मौसम में जब बरसात हो रही है और बाढ़ गांव-गांव तक जा घुसी है, उसमें किस तरीके से राहत पहुंचाई जा रही है, अधिकारी लगे हुए हैं, चौकियां कितनी बनी हैं, सब जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे। गोंडा के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। गोंडा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उद्घाटन स्थल पर मौजूद हैं। कोविड अस्पताल का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी, बस कुछ ही देर में ये उद्घाटन होगा। देवी पाटन मंडल के अफसरों के साथ करेंगे बैठक। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। राजकुमार जुड़े हमारे साथ, हमारे सहयोगी राजकुमार, क्या कुछ जानकारी, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और कोविड अस्पताल के साथ ही, और वो कौन सी चीजें हैं जो मुख्यमंत्री आज करने वाले हैं गोंडा में, कितनी देर का ये दौरा रहेगा? देखिए पंकज, ये करीब एक घंटे 45 मिनट का उनका दौरा है। जो नियत समय थी उस समय के हिसाब से यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं। वो पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर उनका लैंड किया है और वहां से बाई रोड होते हुए वो यहाँ पर जिला अस्पताल में पहुंचे हैं। जो कोविड 19 का जो हॉस्पिटल बना है उसके अंदर बैठक हो रही है। कई जो मंडल के अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस के रहे हों, शासन के रहे हों, सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, सांसद हैं और जो यहाँ पर मंत्री रमापति शास्त्री हैं, वो सभी लोग सब उसी हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पर बैठे हैं, बैठक हो रही है। और निश्चित तौर पर जो चाहे वो कानून व्यवस्था रही हो या फिर बाढ़ को लेकर के, और जो कोविड 19 है उसको लेकर एक अहम चर्चा वहाँ पर होनी है, तो जिसको लेकर यहाँ पर अधिकारी मौके पर हैं। अगर वही बात करें तो जो लोग, जो आम लोगों की बातें हो रही हैं उसमें साफ तौर पर जैसे मेडिकल कॉलेज को लेकर के और जो रिंग रोड को लेकर के यहाँ पर चर्चाएं थी, तो ये लोग एक कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं और एक बड़ी सौगात गोंडा को मिले। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो है वो रिजर्व हुए हैं यहाँ पर। फिलहाल मौके पर जो है वो बैठक चल रही है मुख्यमंत्री योगी। राजकुमार, ये जानना चाहेंगे क्या ये वही बैठक है जिस बैठक में विकास और बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री को करनी थी और पूरे देवी पाटन मंडल के अफसर उसमें मौजूद रहने वाले थे, क्या ये वो बैठक है? बिल्कुल वही बैठक है। उसी बैठक को लेकर के यहाँ पर जो चर्चाएं हैं वो विकास हो, कानून व्यवस्था हो या फिर बाढ़ हो और कोविड 19, सभी मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी, गहन चर्चा की जाएगी और इसके बाद फिर जो है वो आगे की रूपरेखा यहाँ पर तय की जाएगी। दो महत्वपूर्ण चीजें राजकुमार हैं। एक तो कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहला सवाल ये कि कोविड को लेकर किस तरह के से यहाँ पर इंतजाम पहले किए गए हैं, हालांकि एक और सौगात मिल जाएगी, अस्पताल बन जाएगा तो मरीजों के लिए सुविधा होगी। और दूसरा, बाढ़ राहत कार्य की समीक्षा करने वाले हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि बाढ़ का मौसम है और गोंडा में बाढ़ का आलम जग जाहिर है। इन दोनों को लेकर सवाल किस तरह की स्थिति है? देखिए अगर कोविड की बात करें तो जिले में जो है वो लेवल 3 हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं था, वो सुविधाएं यहाँ पर नहीं थी, जिसकी वजह से जो कोरोना के पेशेंट थे, जो सीरियस कोविड थे, उनको यहाँ पर लखनऊ जाना पड़ रहा था। तो उसको लेकर के जो यहाँ पर ये हॉस्पिटल, कोविड का हॉस्पिटल जिसका उद्घाटन करेंगे, उसको लेकर के हर आधुनिक सुविधाओं से इसे लैस रखा गया है। 161 बेड का यह हॉस्पिटल है, उसको लेकर के जो जिला प्रशासन है उन तरफ से यहाँ पर तैयारी किया है। इसके बाद जो बाढ़ के यहाँ पर अधिकारी हैं वो भी यहाँ बुलाए गए हैं, बाढ़ को लेकर के उनसे चर्चा की जाएगी और जो आम लोग जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको राहत पहुंचाने की बात की जा रही है। जी, कोरोना के मामलों को अगर देखें तो जिस तरीके से शुरुआत में एकाएक बढ़ते हुए मामले दिख रहे थे और मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है, और बाढ़ की अगर बात की जाए तो बाढ़ के लिए तमाम जगहों पर निर्देशित मुख्यमंत्री ने लखनऊ से ही कर दिया था कि बाढ़ चौकियां बनाई जाएं, स्थानीय प्रशासन एक्टिव मोड में रहा है।
बिल्कुल संकट, देखिए कि अगर हम कोरोना की बात करें तो लगातार लगभग ये माना जा सकता है कि लगभग 60 लोग एक नए पेशेंट हर 24 घंटे में जिले की बात करें तो लगभग वो मिल रहे हैं। हालांकि जो उनका रिकवरी रेट है जिले की बात करें तो करीब 73% है जी। लेकिन ऐसे में लगातार जो यहाँ पर मार्केट खुले हैं, जो मॉल खुले हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग जिसको लेकर के यहाँ पर वो कोरोना पेशेंट जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि अगर वही बाढ़ की बात करें तो फिर करीब 25 चौकियां ऐसी हैं, बाढ़ चौकियां जो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद से जो 25 बाढ़ चौकियां हैं वो एक्टिव कर दी गई थी। लगातार प्रशासन इस बात के दावे कर रहा है कि जो बाढ़ पीड़ित है उन तक हम राहत पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखें तो जो ग्रामीण हैं, कई ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर जो प्रशासन के लोग हैं वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो परेशान हैं, उनको किसी तरीके की राहत सामग्री नहीं पहुँचाई जा रही है, जिसको लेकर के वहाँ पर हाथ तोबा मचा हुआ है।